वेलकम बैक टू दी चैनल। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड वेरी एक्साइटेड। मैं आई हूँ मरीना बीच, और इतनी ज़्यादा क्राउड और यहाँ पर कोई भी पार्किंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जिसको जो जगह मिल जाती है ना वहीं पर लोग वहीं पर गाड़ी लगा लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्राउड है ना, मतलब हम लोग निकले थे शाम के 4:30 घर से और अभी बज रहे हैं 8, मतलब इतना लॉन्ग टाइम हो गया। एक तो आने में 1.5 घंटा लग गया, ऊपर इतनी ट्रैफिक थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा क्राउड। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ मरीना बीच में आप लोगों को आरुष उधर नहीं जाना। और जब हम लहर लेकर लौट रहे थे तब इनको एक गजरे वाली दिख गई तो ये जिद करने लगे कि गजरा ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये वो काफ़ी दूर जा चुकी थी, फिर ये बुलाने गए थे तो वो बुला कर लाए। फिर उस गजरे वाली ने एक गजरा दिया, बहुत पूरी बेली की फूल की गजरा होती है यहाँ पे, बहुत ही खुशबू, मतलब 3 दिन तक वो हमारे कमरे में खुशबू देता ही रहा, इतना अच्छा मतलब उसका खुशबू था। उसके बाद वो फिर आई और उसने खुद अपने हाथों से मेरे बालों में गजरा लगाया। वो तमिल में बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो एक्चुअली ये पहले भी कुछ दिन चेन्नई में रह चुके हैं इसलिए। तो उसने फिर हमें गजरा दिया और उसने मेरे बालों में खुद से बाल खोल कर गजरा लगाया, और गजरा लगाने का मतलब भी वो मेरे को समझा रही थी तमिल में कि जैसे गजला को जोड़ के रखते हैं ना वैसे ही पति को भी जोड़ के रखना चाहिए। तो वही मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो वो मेरे बालों में अच्छे से गजला लगा रही थी, पूरा पूरा बाल वाल खोल दिया था उसने। और सच मानो बीच पर इतना मज़ा आया था ना, अगर हम दिन में जाते ना तो और भी मज़ा आता, लेकिन दिन में धूप बहुत होती है यहाँ पे, गर्मी भी, तो बच्चे को लेकर हम नहीं जा सकते। हम दो जन तो चले भी जाते लेकिन आरुष को लेके हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था रात को, तो इतनी लहर, आरुष को तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कि वो यहाँ से वहाँ से लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि जो लहर होती है ना समुद्र की वो उसकी गर्दन तक जा रही थी, छोटा है ना तो उसको बहुत ज़्यादा। मैं इनको बोल रही थी बैक से देखो, मैं इनको बोल रही थी कि बैक से देखो, हाँ कर लो,
मैं इनको बोल रही थी बैक से देखो तो कैसा लग रहा है। उसके बाद हम लोग लौट गए थे, बहुत दूर है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद घर आते आते हमें 10 बज गए थे घर के पास आते आते, तो फिर उन्होंने कहा कि अब घर जाके क्या खाना बनाओगे। वैसे चने की सब्जी थी मेरे पास, फिर इन्होंने कहा चलो KFC में ही कुछ ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो लोग टेक अवे करना बंद कर देते हैं। तो फिर उन्होंने मतलब कि हमने KFC में ही ऑर्डर कर लिया था मील वगैरह जो भी था, तो वही था। उसके बाद फिर हम लोग घर लेकर आए, घर आकर हम लोगों ने खाना खाया था, घर आकर हम लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद फिर आरुष की वहीं पे मस्ती चल रही थी और हम लोगों का पूरा मतलब तो आरुष की वहीं पे मस्ती चल रही थी। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो, तो फिर हम लोगों ने पूरा खाना वाना पैक करा कर घर आए, और घर आकर बारिश भी बहुत हो रही थी, बारिश होने लगी थी। सुबह कि हम लोग घर आ गए थे तब बारिश हो रही थी और इतना ज़्यादा थक गए थे ना, एक्चुअली वहाँ पर हम लोग बीच पर नहीं थके थे, हम लोग वो जो वहाँ से आने में जो टाइम लगता है ना, तो गाड़ी में बैठे बैठे भी ना थकान हो जाती है, तो हम लोग गाड़ी में आकर बहुत ज़्यादा थक गए थे। चेन्नई की पहली बारिश, चेन्नई की पहली बारिश, वाह बारिश भागो लगा लग रहा है, ओ माय गॉड। तो एक चीज़ है ना, आज जो बारिश हो रही है ना, आज जो बारिश हो रही है तो क्या है ना, अभी आज गर्मी लगेगा, आज गर्मी लगेगा, उसके बाद ज़्यादा बारिश होने को ना 2 मिनट बाद मिलेगी। नहीं नहीं, आज जो बारिश हो रही है ना उसमें लगेगा गर्मी, जब बारिश लगातार होगी ना तब ठंडक आएगी, है ना। चेन्नई की पहली बारिश, पहली वाली बारिश है। आरुष से गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू, अब बोलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हाँ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय, टेक केयर, हाँ।